नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु राव। खबर में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। साइंस कॉलेज का चिराग आखिरकार हो ही गया रोशन। वीसी जेपी शर्मा ने मानी सारी मांगे, जूस पिलाकर तुड़वाया दोनों छात्रों का अनशन। बजरी दोहन करवाने की एवज में फंसा पहला दरोगा। एसीबी उदयपुर की टीम ने 20,000 रुपए के साथ रंगे हाथों धरा। एसओजी की टीम ने पकड़ा अफीम तस्कर, बेचने और खरीदने वालों की तलाश जारी। और पूर्व उप महापौर शेखावत पुलावासियों की मांग को लेकर पहुंचे यूआईटी। तीखी नोकझोंक के बीच तहसीलदार ने कहा, वोट आपको लेने होंगे, मुझे नहीं। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रिश्वतखोर दरोगा की। 5,000 रुपए से मेरा क्या होगा, इतना तो मेरा कांस्टेबल भी नहीं लेता। पूरे 20,000 रुपए देगा तो ही बजरी मेरे थाना क्षेत्र से निकाल पाएगा। जी हाँ, ये शब्द थे राजसमंद के खमनौर थाना अधिकारी महेश चंद्र मीणा के, जिसने खातेदारी जमीन से बजरी दोहन करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। और पैसे लेने के बाद जैसे ही उदयपुर एसीबी की स्पेशल यूनिट थाने पर पहुंची तो रिश्वतखोर दरोगा घबरा गया और सिर पर हाथ रखकर बोला, बहुत बड़ी गलती हो गई। बाद में टीम ने महेश की जेब से नोट निकालकर आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी के एएसपी सुरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि निचली ओडन निवासी मानसिंह ने 4 जून को शिकायत दर्ज करवाई थी। एसीबी की टीम ने 6 जून को इसकी पुष्टि के बाद मंगलवार देर शाम इस कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्थान पुलिस की एसओजी की उदयपुर यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए देवारी हाईवे पर नाकाबंदी में एक कार से 5 किलो 650 ग्राम अफीम बरामद की है। दरअसल मुखबिर के जरिए एसओजी की सूचना मिली कि एक व्यक्ति एमपी नंबर की कार से अवैध हथियार लेकर मध्य प्रदेश से निम्बाड़ा होते हुए उदयपुर की तरफ आ रहा है। इस पर एसओजी टीम ने घेरा डालकर उसे रुकवाया। एसओजी अधिकारियों ने तलाशी के दौरान कार से अफीम बरामद की और कार चालक दशरथ सिंह को गिरफ्तार किया। एसओजी ने आरोपी के कब्जे से अफीम के साथ 16,000 नकदी और एक मोबाइल भी बरामद किया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी तस्कर ने 85,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से यह अफीम मंदसौर से लाना बताया और सांचौर सप्लाई करने की बात कही है। एसओजी की टीम अब मंदसौर और सांचौर में अफीम बेचने और खरीदने वालों पर कार्रवाई में जुट गई है। उदयपुर एटीएस की यूनिट ने चित्तौड़गढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,500 के नकली नोटों की खेप पकड़ी है। यह खेप करीब 1,20,000 के नोटों की बताई जा रही है। वहीं एटीएस ने नकली नोटों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। एटीएस अधिकारी अंजना सुखवाल के नेतृत्व में कांस्टेबल तेजेंद्र सिंह की सूचना पर ओछड़ी टोल नाके पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए 1,20,000 के 5,500 रुपए के नकली नोटों की करेंसी पकड़ी। वहीं आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है कि यह नकली नोट कहां से लाए हैं और कौन कौन लोग इस अवैध कारोबार में शामिल है और नकली नोट बनाने की मशीन कहां पर स्थापित है। आपको बता दें कि आरोपी मध्य प्रदेश में इन नोटों को चलाने के लिए जा रहे थे। लेक्सिटी उदयपुर में तापमापी के बढ़ते पारे की वजह से आमजन के साथ अब मंदिरों में मौजूद भगवान भी परेशान होते दिख रहे हैं। ऐसे में भगवान को इस तेज गर्मी से राहत दिलाने के उद्देश्य से श्रद्धालुओं की ओर से उन्हें ठंडक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस कड़ी में उदयपुर शहर के सटे बेदला गांव में स्थित कुंड वाले बालाजी मंदिर में जल मनोरथ का आयोजन किया गया। इस मनोरथ के दौरान पूरे मंदिर में करीब 3 से 4 टैंकर पानी भरकर मंदिर के गर्भगृह को एक झील का रूप दिया गया। इस दौरान मंदिर से जुड़े कमेटी के लोगों ने बालाजी की मूर्ति के सामने आकर्षक फव्वारे भी लगाए। इस आकर्षक झांकी का दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में लोग बालाजी के दरबार में पहुंचे और जल मनोरथ के दर्शन का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर आयोजित हुए सुंदरकांड पाठ में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भगवान के हनुमान जी के ऊपर भाग वाले हनुमान जी ने जल का मनोरथ किया है। भगवान की गर्दी बहुत ज्यादा लग रही है, इसकी वजह से ये जल भरा हुआ है। बहुत आनंद आ रहा है ठाकुर जी के यहाँ। कितना पानी भरा है इसमें? 3 टैंकर पानी भरा है। हाँ, 3 टैंकर पानी भरा है। कमल के फूल 101, सारे इत्र वगैरह निकाल के सुगंधित किया हुआ इस जल को। खूब आनंद से दर्शन का लाभ ले रहे हैं। खबर दोपहर में, अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। श्री ज्ञानोदय क्लासेस,
9th, 10th, 11th, 12th क्लास में किसी भी बोर्ड जैसे कि RBSE, CBSE में फेल हो गए हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि ज्ञानोदय क्लासेस दे रहा है आपको 9th, 10th, 11th को पास करने का मौका, वो भी उसी वर्ष में, वो भी NIOS बोर्ड के द्वारा। NIOS बोर्ड एक एजुकेशनल बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कोरिंग। ये इंडिया का थर्ड नेशनल बोर्ड है। आप इस बोर्ड के द्वारा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं तथा उसी वर्ष NIOS बोर्ड के माध्यम से अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं और अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही क्लासेस द्वारा NIOS बोर्ड ओपन बोर्ड के बारे में निःशुल्क मार्गदर्शन अनुभवी काउंसलरों द्वारा दिया जाता है। वह बताया जाता है कि किस प्रकार छोड़ चुके विद्यार्थी भी 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं व 8वीं पास सीधे 10वीं व 10वीं पास सीधे 12वीं उत्तीर्ण कर सकते हैं। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन, निःशुल्क किताबें, अनुभवी अध्यापक और अध्यापिकाएं, RO वाटर, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, CCTV कैमरा। डिजिटल राजस्थान की ओर एक सशक्त कदम, RSCIT कोर्स। एड्रेस, श्री ज्ञानोदय क्लासेस, VIP कॉलोनी चौराहा, नियर कम्युनिटी हॉल, सवीना, सेक्टर 9। कॉल इट 7877555202 और 7877255202। लैंडलाइन नंबर 0294248 5202। वेबसाइट www.shriGyanoday.com। ...100% job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घणी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉकलियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ, बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294392000। महावीर कॉम्प्लेक्स, UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स एवं मकान, 6 लेन हाईवे के पास प्लान, 180 एवं 40 फीट चौड़ी रोड, कलड़वास औद्योगिक क्षेत्र के पास, रेलवे स्टेशन 5 मिनट, डी माउंट लिटरा स्कूल 2 मिनट, गीतांजलि हॉस्पिटल 3 मिनट, तितरी चौराहा 3 मिनट, टेक्नो इंजीनियरिंग कॉलेज 2 मिनट, हिरन मगरी सेक्टर 4 से 5 मिनट।
आज ही बुक करें यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट एवं शानदार आकर्षक सर्व सुविधा युक्त अपना घर। यूआईटी प्लॉट 11,11,000 रुपए में, यूआईटी मकान 24,00,000 रुपए में। प्रधानमंत्री आवास योजना, छूट एवं बैंक लोन सस्ते दर पर उपलब्ध, डीएलसी से ज्यादा रजिस्ट्री उपलब्ध। बस रहा है नया हिरण मगरी, वो भी आबादी के नजदीक। जल्दी बुकिंग करें, प्लॉट मात्र 51,000 रुपए में एवं मकान 1,00,000 रुपए में। साइट पता, महावीर कॉम्प्लेक्स, तितेड़ी फांडा, 100 फीट रोड, 6 लेन हाईवे के पास, उदयपुर। डेवलपर्स हरमन रियल एस्टेट सर्विस एंड चहर इन्फिनिटी बिल्ट कॉन डेवलपर्स। एड्रेस 813 फर्स्ट फ्लोर, हिरण मगरी मेन रोड, सेक्टर 4, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828489646 और 9828072472। एक बार फिर से स्वागत है आपका खबर दोपहर में। सुकाड़िया यूनिवर्सिटी के विज्ञान महाविद्यालय में यूजी और पीजी की 25% सीटें बढ़ाने और बीसीए के परिणाम में संशोधन की मांग को लेकर छात्रों द्वारा की जा रही भूख हड़ताल बुधवार 12 बजे समाप्त हो गई। यूनिवर्सिटी के बाहर 48 घंटे से भी ज्यादा समय तक चिराग चौधरी और राकेश कुमार भूख हड़ताल पर बैठे थे। ऐसे में बुधवार सुबह ही चिराग की हालत बिगड़ने लग गई। इस पर छात्रों की मांगे मानते हुए वीसी जेपी शर्मा ने दोनों को जूस पिलाकर हड़ताल समाप्त करवाई, साथ ही लिखित में आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि छात्र सेवक चिराग चौधरी और राकेश कुमार सहसा ने चेतावनी दी थी कि जब तक विश्वविद्यालय की ओर से लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। वहीं बुधवार सुबह चिकित्सकों ने हालत नाजुक बताते हुए तुरंत इलाज की बात कही थी, लेकिन चिराग चौधरी नहीं माने। इतने में वीसी प्रोफेसर जेपी शर्मा मौके पर पहुंचे और दोनों ही आंदोलन छात्रों को जूस पिलाते हुए लिखित में आश्वासन भी दिया। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद अब उन आदेशों और कार्यों की जांच भी की जा रही है जो भाजपा सरकार में हुए थे। ऐसे में नुकसान तो जनता का ही होना है। वहीं अब विरोध में भाजपा खड़ी रहेगी और अधिकारियों को तो बस निर्देश की पालना ही करनी है, भले ही वो निर्देश किसी भी सरकार के हो। इन सब ने सबसे बड़ी दिलचस्पी की बात यह होगी कि किस नेता ने इतना दम है जो कार्रवाई को रुकवा सके और आदेशों को बदलवा सके, क्योंकि अधिकारियों को वोट नहीं चाहिए और नेता चाहते हैं कि जनता परेशान न हो। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला मंगलवार को नगर विकास प्रन्यास में तहसील कार्यालय के बाहर, जब पीड़ित जनता के साथ आए पूर्व महापौर महेंद्र सिंह शेखावत और तहसीलदार के बीच जोरदार बहस हो गई। दरअसल सरकार के निर्देशों पर उदयपुर में स्थित पूला की कच्ची बस्ती के मकानों को तोड़ने के नोटिस के विरोध में पूर्व महापौर महेंद्र सिंह शेखावत यूआईटी पहुंचे और बस्ती वासियों के साथ तहसीलदार से मिले, जहां श्री शेखावत ने बताया कि बस्ती पिछले 40 वर्षों से कायम है और पूर्व सरकार द्वारा यहां पर सड़क, नाली, रोड, लाइट, सीवरेज, सामुदायिक भवन सब सुविधाओं पर करोड़ों रुपए का खर्च किए गए हैं और अधिकांश निवासियों को पट्टे भी जारी कर रखे हैं। अब यूआईटी वहां के लोगों को हटाने की जिद पर अड़ी हुई है, जबकि इन मकानों और नदी के बीच यूआईटी द्वारा निर्मित पार्क है, इसलिए इस कार्रवाई को जनहित में देखते हुए रोका जाना चाहिए। इस पर तहसीलदार ने कहा कि मुझे कलेक्टर और सरकार के आदेश हैं और मुझे किसी से वोट नहीं चाहिए। पूला में शहीद भगत सिंह नगर कच्ची बस्ती है, ये पिछले 35-40 साल से बसी हुई है। यूआईटी द्वारा समय समय पर न तो पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती, न पूरा पक्ष सुना जाता, यूआईटी की मिली भगत और लापरवाही से ऐसी बस्तियां बसती है। जब बस्ती ऐसे अवैध निर्माण को रोकने के लिए कहते हैं तो ये नहीं रोकते।
अभी अचानक क्या मालूम क्या हुआ, इन्होंने नोटिस दिए 15-20 लोगों को घर उजाड़ने के लिए। तहसीलदार जी अपने हट धर्मिता पर अड़े हुए, वो कह रहे मेरे पास सरकार और कलेक्टर के निर्देश से। इन्होंने न तो मौका देखा है, इनको यही मालूम नहीं है कि उस इनके मकान और नदी के बीच में UIT ने पार्क बना रखा है, निर्माणाधीन पार्क है। तो आज इनको मकान ये 15-20-25 मकान तोड़ने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है, इनका भविष्य में तोड़ने का प्लान क्या है, कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल हिटलर साइड चल रहा है, हर मकान तोड़ने के नोटिस दे दिए, हर के मकान पे तहसीलदार जी कह रहे हैं बुलडोजर चला देंगे। ऐसे कैसे चला देंगे, एक तरफ सरकार मकान गरीबों को आवास उपलब्ध करा रही है, ये 40 साल पुराने मकान है, करोड़ों अरबों रुपए यहाँ नगर निगम ने विकास के लिए खर्च कर दिया, इसी बस्ती में कई लोगों को पट्टे दिए जा चुके अधिकांश लोगों को, लेकिन इनके पीछे तहसीलदार जी की हठधर्मिता है और वो कलेक्टर और सरकार के नाम पे ये गहलोत सरकार गरीबों के आशियाने उजाड़ने का काम कर रही है। इसके लिए जरूरत पड़ेगी, हमारी पार्टी आंदोलन करेगी, लड़ी लंबी लड़ाई हम लड़ेंगे, न्याय होना चाहिए, तब जब तक न्याय नहीं मिला तब तक हम आंदोलन। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। साइंस कॉलेज का चिराग आखिरकार हो ही गया रोशन, VC JP शर्मा ने मानी सारी मांगे, जूस पिलाकर तुड़वाया दोनों छात्रों का अनशन। बजरी दोहन करवाने की एवज में फंसा पहला दरोगा, ACB उदयपुर की टीम ने 20,000 रुपए के साथ रंगे हाथों धरा। SOG की टीम ने पकड़ा अफीम तस्कर, बेचने और खरीदने वालों की तलाश जारी। और पूर्व उप महापौर शेखावत पुलावासियों की मांग को लेकर पहुंचे UIT, तीखी नोकझोंक के बीच तहसीलदार ने कहा वोट आपको लेने होंगे मुझे नहीं। खबर दोपहर में अभी इतना ही, शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल जल्दी दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।